Hello friends, how are you? Welcome back to my channel. If my videos are informative for you, please do subscribe my channel. आज का टॉपिक है गुलदाउदी के फूल पर हिंदी निबंध। गुलदाउदी का एक पौधा होता है, इस पौधे में फूल खिलते हैं। गुलदाउदी का फूल बहुत सुंदर और आकर्षित होता है। गुलदाउदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। गुलदाउदी के फूलों की खेती अधिक पैमाने पर की जाती है, इसे गुलदावरी भी कहा जाता है। इसके फूल सर्दी के मौसम में ज़्यादा खिलते हैं। यह अनेक रंगों में आता है, यह ज़्यादातर सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी आदि रंगों में पाए जाते हैं। इस फूल की अनेक पंखुड़ियाँ होती हैं। इस फूल की पंखुड़ियाँ एक के ऊपर एक बहुत सारी चढ़ी होती हैं। इसके फूलों का आकार बड़ा होता है, यह एक क्लासिक फूल होता है। इसके पौधे अलग अलग किस्मों के पाए जाते हैं। इसके पौधों को आसानी से घरों में भी उगाया जा सकता है। इसके पौधों को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पौधे के लिए धूप बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन यह फूल वाला पौधा है तो ज़्यादा धूप पड़ने पर इस पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। गुलदाउदी के पौधों को ज़्यादातर बगीचों में उगाया जाता है। इसके पौधे में एक साथ बहुत सारे फूल खिलते हैं। यह फूल दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये फूल बगीचों और घरों की शोभा बढ़ाते हैं। इसके पौधों में प्राकृतिक खाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये फूल कई दिनों तक खिले रहते हैं। इसके फूलों को भगवान के मंदिरों में देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसके फूल सजावट करने और गुलदस्ता बनाने के काम भी आते हैं। गुलदाउदी के फूल मन भावन होते हैं। इसकी भीनी भीनी खुशबू होती है। हम सभी को अपने घरों में इसके पौधों को लगाना चाहिए। गुलदाउदी का फूल सभी लोगों को बहुत पसंद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।